इंसान का मुकद्दर अदर बदलिया जाता है, इंसान का मुकद्दर अगर तब्दील होता है तो वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ दुआ है। लोग मुख्तलिफ इकसाम दियां दुआवां करते ने, लोगों का एतराज है, लोगों का यह इतराज है कि साडा रब साडिया दुआवां कबूल नहीं करता, साडा रब साडिया दुआवां नहीं सुनता, साडा रब साडी दुआ नूं शर्फे कबूलीयत नाल नहीं नवाजदा। अज तेरे मेरे मुआशरे अंदर हर दूसरे बंदे दी जुबान चो यह जुमला मिलेगा कि हजरत साहब दुआवां बड़ियां करने आ, बड़े बड़े आलमे दीन कोलों बड़े बड़े बुजुर्गां वलियां कोलों दुआवां करवाने आ, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुंदी। असी आप भी साडे घर वाले भी दुआवां मंगदे ने लेकिन दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं कर रहे। इदे बिल्कुल ही बरअक्स अल्लाह पाक फरमांदे ने वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, फरमाया ओ दुनिया कायनात दे लोगो अगर तुसी मेरे कोलो दुआ मंगो, उदउनी अगर तुसी मैनू पुकारो, अगर तुसी मेरे सामने आके सिर सुटो, अगर मेरे दर ते आके अपने दामन नू फैलाओ, अस्तजिब लकुम मैं तुहाडियां दुआवां नू कबूल करांगा। एक पासे अल्लाह आंदे ने कि मैं तुहाडियां दुआवां नू कबूल करांगा, दूसरे पासे इंसान ने आंदा मेरियां रब सुनदा ही नहीं, मेरियां रब दुआवां कबूल ही नहीं करदा। ये वजह की है, इंसान की दुआ कबूल क्यों नहीं हुंदी, इहदे विच मसला किथे वे। अज इस खुतबा जुमा दे अंदर मैं इंशाल्लाह चार तो पंज चीजां ऐसियां बयान करांगा जेड़ियां अज तेरे मेरे अंदर मौजूद ने, ऐसे गुनाह तेरे मेरे अंदर मौजूद ने जिदी वजह तो अल्लाह पाक दुआवां कबूल नहीं कर दे। नबी अली सलातु वस्सलाम दे फरमान दी रोशनी अंदर अल्लाह पाक दे कुरान दे तहत मैं इंशाल्लाह चंद मारूजा तुसा अहबाब दे गोश गुजार करांगा। इस खुतबा जुमा दे अंदर अज तुसा वेखना है कि साडे अंदर ओ अमाल ओ गुनाह मौजूद ने के नहीं, अगर मौजूद ने तो उन्हां दी इसलाह कर, फिर वेख अल्लाह तेरी मट्टी नूं ही सोना बनाएगा, फिर वेख अल्लाह तेरियां दुआवां भी कबूल करेगा, फिर वेख अल्लाह तेरे मुंह चो निकलन वाले जुमले अजे अदा नहीं होणगे उन्हां नूं रंग ला देगा, अल्लाह पाक आसमान ते उन्हां नूं कबूल करेगा। दुनिया कायनात दे लोगो, नबी अली सलातु वस्सलाम दे कोलों सहाबाए किराम ने आके पुछया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू तरीका दसो अल्लाह पाक कोलों किंज मंगना है, अल्लाह पाक दे सामने किंज दामन लाना है, अल्लाह पाक दे सामने अपनियां हाजात नूं किंज रखना है, अल्लाह पाक दे सामने अपने दस्तो गिरेबान नूं किंज दराज करना है। नबी अली सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फरमाया वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ओ दुनिया कायनात दे लोगो, कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इदा दान फल्यस्तजीबूली वल्युमिनु बी लअल्लहुम यरशदून। नबी पाक दे सहाबा किराम ने आके पुछया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसो ते सही ना अल्लाह पाक कोलों किवें मंगना है, दसो ते सही ना अल्लाह पाक दे सामने दुआवां नूं किवें रखना है। नबी पाक फरमांदे ने सहाबा किराम अल्लाह पाक ते आसमान तो ऐलान कर रहा है वा इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दा
दुनिया कैनात दे लोगो मेरे सामने आके दुआवा मंगना तुआडा काम है, मेरे सामने आके दस्ते गिरे बान दराज करना तुआडा काम है, मेरे सामने आके सिर सुटना तुआडा काम है, मेरे सामने आके सवाल करना तुआडा काम है। इस्ताजिब लकुम मस्ताजिब लकुम, ओ दुनिया कैनात दे लोगो अल्लाह दा कुरान एलान फरमा रहे है, फरमाया अस्ताजिब लकुम मैं तुआडियां दुआवां कबूल करांगा, अस्ताजिब लकुम मैं तुआडियां दुआवां तोड़ चढ़ावांगा, अस्ताजिब लकुम मैं तुआडे मुकद्दर बदल देवांगा। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जड़ा बंदा तकबर करदा है, जड़ा बंदा आकड़ जांदा है अल्लाह पाक दे सामने, अल्लाह पाक दे सामने दुआवां वाले हाथ ही नहीं फैलांदा, अल्लाह पाक दे सामने अपनियां हाजात नूं नहीं रखदा। कायनात दे लोगो अल्लाह पाक फरमांदे ने साया तू खुलूना जहन्नम दाखिरीन, ऐसे बदबख्त इंसान नूं मैं जहन्नम दा बालन बना देंगा, ऐसे बदबख्त इंसान नूं मैं जहन्नम दा ईंधन बनावांगा, ऐसे बदबख्त इंसान नूं मैं जहन्नम दी नजर कर देंगा, ऐसे बदबख्त इंसान नूं मैं जहन्नम वल टोर देंगा। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम समझिए, फरमाया वा इजा साला का इबादी, अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे है नबी पाक फरमांदे ने सहाबा इंज अल्लाह पाक को लो मंगने है, वा इजा साला का इबादी अन्नी फाइनी करीब, अल्लाह फरमांदे ने जदों बंदा मेरे सामने आके मेरे सामने दुआ कर दे, जदों बंदा मेरे सामने आके अपने हत्थां नूं बुलंद कर दे, और जदों बंदा मेरे सामने आके दामन फैला लैंदा है, अन्नी फाइनी करीब मैं उस बंदे दे करीब हो जानावा, मैं उस बंदे दे लागे हो जानावा। अल्लाह जी दसो ते सही ना उस बंदे दे किन्ना कु करीब हुंदे जे, फरमाया फा इन्नी करीब, अगर कोई दुखी आया ते पैगाम ले जाए, और बीमारियां दी शिफा हासिल करन वाले फा इन्नी करीब, अगर दुखां अंदर परेशान है ते अल्लाह पाक फरमांदे ने फा इन्नी करीब, अगर तू बीमारियां अंदर मुबतला है अल्लाह पाक फरमांदे ने फा इन्नी करीब, बेशक मैं सब तो ज्यादा करीब हाँ। अल्लाह जी दसो ते सही ना किन्ना को करीब जे, फरमाया नाहनु अकरबु इलैही मिन हबलिल वरीद, बेशक मैं इंसान दी शारग नालों भी ज्यादा करीब हाँ, बेशक मैं इंसान दी शारग तो भी ज्यादा करीब हाँ। ओ दुनिया कायनात दे लोग अज लोग आंदे ने अल्लाह पाक दुआवां कबूल नहीं करदे, असीं फुलां दा वसीला पावांगे ते दुआ कबूल होएगी, फुलां दे दर ते जावांगे ते दुआ कबूल होएगी, फुलां दी मिन्नत करवावांगे ते दुआ कबूल होएगी। और नौजवानों बुजुर्गों पैगाम लै जाओ, अल्लाह पाक फरमांदे ने बेशक मैं शारग तो भी ज्यादा करीब हाँ, बेशक मैं इंसान दे बहुत ज्यादा करीब हाँ। अल्लाह पाक फरमांदे ने जो बंदा मेरे सामने सजदा कर दे मैं सब तो ज्यादा करीब हो जाना वा, जो बंदा मेरे सामने सिर सुट देंदा है अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर बंदा जो मर्जी मेरे को मंगे मैं उन्हूं अता कर देना वा, फिर बंदा जो मर्जी मेरे को मंगे मैं उन्हूं अता कर देना वा, क्योंकि बंदा मेरे सामने आके आंदा है सजदे अंदर पै के आंदा है सुबहान रब्बी अल आला, अल्लाह वड्डा मैं नहीं अल्लाह वड्डा तू है, फरमाया सुभान रब्बी अलाला, अल्लाह शाना मेरिया नहीं शाना तेरिया ने, आंदा सुभान रब्बी अलाला, अल्लाह मालिक मैं नहीं मालिक तू है, अल्लाह मैं सारा कुछ छड़ छड़ा के आ गया, अल्लाह मैं किसे दे सामने सिर नहीं सुटिया, अल्लाह मैं किसे दे सामने अपनी जमीन नहीं सुटिया, अल्लाह मैं तेरे सामने आ गया, अल्लाह मेरी आकड़ खत्म हो गई
ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦਰਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਮਹੀਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੁਲਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਾ, ਫੁਲਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਾ, ਫੁਲਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਫੁਲਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ, ਫੁਲਾਂ ਢੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹਜਰਾਂ ਸ਼ਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕਿੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕਿੰਜ ਪਾਰ ਲਗਾਏ। ਇਧਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿੱਡਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸ਼ਿਰਕ ਲਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਐਸੀ ਪਾਰਾ ਸਤਵਾਏ, ਸੂਰੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ 18 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, 18 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਵਾ ਗਬਨਾ ਲਹੂ ਇਸਹਾਕਾ ਵਯਾਕੂਬ ਕੁੱਲਨ ਹਦੈਨਾ ਵਨੂਹਨ ਗਦੈਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰੀਅਤਿ ਦਾਊਦ ਵਸੁਲੈਮਾਨ ਵਅਯੂਬ ਵਯੂਸੁਫ ਵਮੂਸਾ ਵਹਾਰੂਨ ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜਜ਼ਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀ ਵਜ਼ਕਰੀਆ ਵਯਹਯਾ ਵਈਸਾ ਵਇਲਿਆਸ ਕੁੱਲੁ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀ ਵਇਸਮਾਈਲ ਵਲਿਯਸਾ ਵਯੂਨੁਸ ਵਲੂਤਾ ਵਕੁੱਲਨ ਫਜ਼ਲਨਾ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ ਵਮਿਨ ਆਬਾਇਹਿਮ ਵਜ਼ੁਰੀਯਾਤਿਹਿਮ ਵਇਖਵਾਨਿਹਿਮ ਵਜਤਬੈਨਾਹੁਮ ਵਹਦੈਨਾਹੁਮ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤਿ ਮੁਸਤਕੀਮ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਗੁਦੱਲਾਹ ਯਹਦੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਗੁਦੱਲਾਹ ਯਹਦੀ ਬਿਹਿ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਉ ਮਿਨ ਇਬਾਦੀ। ਆ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਉ ਅਸ਼ਰਕੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਨਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਉ ਅਸ਼ਰਕੂ ਲਹਾਬਿਤਾ ਅਨਗੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ 18 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ,
वमिन आबाइहिम वज़ुर्रियातिहिम, अगर तुहाडे अबाउ अजदाद भी अगर तुहाडी ज़ुर्रियत औलाद अंदरों भी वजतबैनाहुम वहदैनाहुम, उन्हां दे सारे कुंबे कबीले अंदरों अगर हिदायत हासिल करना चाहते जे इला सिराति मुस्तकीम, अगे अल्लाह फरमांदे ने वलौ अशरकू लगबिता अनुगुम, वलौ अशरकू लगबिता अनुगुम मा कानू यामलून। ओ मेरे नबीओ गल सुन लिया जे, मैं अल्लाह पाक आसमान तो ऐलान कर रहा वा, ओ मेरे नबीओ गल तुहाडे तक पहुंचा दे जे, फरमाया वलौ अशरकू अगर तुसी भी मेरे नाल शिरक करोगे, अगर मेरे नाल शरीक बनाओगे, अगर मेरे नाल किसे नू मिलाओगे, फरमाया लाहा पिता नगुम्मा कानू या मलून, मैं तुहाडे अमाल भी बर्बाद कर देंगा, मैं तुहाडे अमाल भी तबाह कर देंगा, मैं तुहाडे माल दा मुल ही नहीं पावांगा, मैं हवा अंदर उड़ा के रख देंगा। वो जिथे नबिया नू अल्लाह पा के गल कर रहे ने, अगर तेरिया दुआवां कबूल नहीं ते वजह तेरिया बीमारियां ने, अगर तेरिया बीमारियां वजह ने फिर उन्हां दी सलाह करिया कर। वो दुनिया कायनात दे लोगो, वो जिथे नबिया की इबादत कायम नहीं रहेगी, वो जिथे नबिया की इबादत करना कायम नहीं रहेगी, एक सवाल करना चाहना, ओ दस ते सही तेरिया दुआवां किवें कायम रहणगियां, ओ दस ते सही तेरिया दुआवां किवें कबूल होणगियां। ए ते 18 नबियां दा जिक्र है, तेरे मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम नूं वी अल्लाह पाक ने फरमाया, 24 पारा सूरत दा नाम सूरह ज़ुमर है, फरमाया वाला कद उगिया इलैका व इलल्लज़ीन मिन कबलिका ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, ला इन अशरक फरमाया ए मेरे सोनिया बेशक मैनू लाडला बड़ा है, सोनिया बेशक इमामुल अंबिया है, सोनिया बेशक शाफी है माशर है, सोनिया बेशक सारी कायनात दा सरदार है, सोनिया अगर तू सारी कायनात दा सरदार है अगर मेरे नाल शिरक करेगा, ला इन अशरक ताला यह बतन्ना मलुक, अगर मेरे नाल शिरक करेगा ए मेरे आ सोनिया बेशक प्यार अपनी जगह, सोनिया शिरक करन दी वजह तो मैं तेरी जिंदगी दे सारे अमाल ही तबाह को बर्बाद कर देंगा। नबी पाक नू अल्लाह पाक फरमा रहे ने, अगर तू भी शिरक करेगा सोनिया तेरे अमाल भी जाया कर दियांगा। पिछे 18 नबियां नू अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ दुनिया कायनात दे लोगो, जेड़ा बंदा मुशरक है उस बंदे दी दुआ कबूल नहीं, जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे नाल शिरक करदा है उस बंदे दी दुआ कोई कबूल कोई नहीं। ओ दुनिया कायनात दे लोगो, तां ही ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया इन शिरक ला जुल्म अज़ीम, बेशक शिरक बहुत वड्डा जुल्म है। जिन्ने भी नबी आए इस दुनिया कायनात अंदर अल्लाह पाक दी तौहीद दा ऐलान करदे रहे, ओ यार मंगने ते अल्लाह पाक कोल मंगया कर, किसे बाबे दा वसीला ना पाया कर, किसे कबर वाले दी हाजत ना रखिया कर, किसे दरगाह दा वसीला ना पाया कर, बल्कि अल्लाह पाक दे सामने अपने दमन फैला लिया कर, अल्लाह पाक कोल मंगया कर। तां ही ते दा मैं तर्जुमा इंज करिया करना, अल्लाह वरगा जमा ने ते दसो केड़ा सखी गोवे, अल्लाह वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी गोवे, जिथों मंगदा अली होवे, जिथों मंगदा नबी होवे, अल्लाह वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी गोवे। और बड़ा प्यारा जुमला, दुआ करदा हमें मौला के साथ सोने दा नसीब होवे, पिया कौसर मैं जिस वेले ते बुक सोने दा करीब होवे, होंठ मेरे लगे होवल, होंठ साडे लगे होवल, होंठ सब दे लगे होवल,
ते सोहने दी सोहनी तली गोवे अल्लाह वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी गोवे ताई ते अल्लाह दा कुरान लान कर रहे है फरमाया वकाल रब्बुकुम दुउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन ओ दुनिया कायनात दे लोगो मंगने ते अल्लाह पाक कोल मंगने पहले नंबर ते जेड़ा बंदा मुशरक है ओदी दुआ कबूल कोई नहीं ओदी कोई भी इबादत कबूल कोई नहीं ओदा कोई भी अमल अल्लाह पाक दे सामने कबूल कोई नहीं दूसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने ओ बदनसीब जेदे दुआवां अल्लाह पाक कबूल नहीं करदे ओ बदबख्त इंसान जिदियां दुआवां अल्लाह पाक दे अरश तक नहीं जांदियां ओ बदनसीब इंसान जिदियां दुआवां शर्फे कबूलियत तक नहीं पहुंचदियां नबी पाक फरमांदे ने ऐसा बंदा जेड़ा हराम खोरी करके आउंदा है ऐसा बंदा जेड़ा हराम खोरी करके खांदा है ऐसा बंदा जेड़ा हराम खोरे हराम खान वाला है नबी पाक फरमांदे ने ऐसे बंदे दी भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करदे ओ यार हराम खोरी दा ए मतलब नहीं इंसान हराम चीजा खांदा है इंसान सूअर दा गोश्त खांदा है इंसान खिंजीर दा गोश्त खांदा है इंसान कुत्ते दा गोश्त खांदा है इंसान नापाक जानवरां दा गोश्त खांदा है हर किसे दा ए मतलब नहीं बल्कि नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा धोखे दे नाल पैसा कमांदा है ओ भी हराम है ओ जेड़ा बंदा झूठ बोल के पैसा कमांदा है ओ भी हराम है ओ जेड़ा बंदा फराडियां दे नाल पैसा कमांदा है ओ भी हराम है ओ जेड़ा बंदा सूद दे नाल कारोबार करदा है ओ भी हराम है ओ जेड़ा बंदा किसे मजलूम दी जायदाद ते कब्जा करदा है ओदा माल भी खाना हराम है जेड़ा यतीमां दे प्लाटां ते कब्जा करदा है ओ जेड़ा बंदा यतीमां दा हक गसब करदा है नबी पाक फरमांदे ने एदा खाना भी हराम है ओ दुनिया कायनात दे लोगो अज वेख अपने मुआशरे अंदर तेनू हर दूसरा बंदा चोरी करदियां नजर आएगा तेनू दूसरा बंदा ठगियां मारदा नजर आएगा तेन दूसरा बंदा मिलावट करदा नजर आएगा इत्थे है ते नमाजी है ते पक्का गाजी साहब है ते पहली साहब दा नमाजी है अगर झूठ दा मौका मिलिया ते झूठ बोल देंदा है ते पहली साहब दा नमाजी है दुध च पानी भी पाई जांदा है भी पहली साहब दा नमाजी है लोगों के हक भी गजब कीती जांदा है ते पहली साहब दा नमाजी है लोगों दियां जायदादां भी हड़प कीती जांदा है ते पहली सब दा नमाजी है यतीमां दे माल ते कब्जे भी कीती जांदा है ते पहली सब दा नमाजी है लोगां दे नाल बस लुकियां भी कीती जांदा है ते पहली सब दा नमाजी है सूद खोरियां भी कीती जांदा है ते पहली सब दा नमाजी है बिला वजह मुनाफा लोगां कोलों लई जांदा है ते पहली सब दा नमाजी है झूठ बोल के अपना कारोबार चमकांदा रहिंदा है ते पहली सब दा नमाजी है लोगां दे सामने कसम चुक चुक के कारोबार चलांदा है ओ दुनिया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा हराम खोर हराम खान वाला है उस बंदे दी भी दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं करदे तुसी आखोगे आपा जी दलील की है आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए ओ दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलो من طيبات ما رزقناكم كلوا من الطيبات ما رزقناكم كلوا من الطيبات ما رزقناكم فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے والو كلوا من الطيبات ما رزقناكم ہمیشہ پاکیزہ رزق کھایا جے ہمیشہ پاک صاف رزق کھایا جے ہمیشہ اللہ پاک دا عطا کیتا رزق کھایا جے अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम कायनात दे लोगो अल्लाह फरमांदे ने या अय्युगर रुसुल कुलो मिन तय्यबाती वामलू सालिगा अल्लाह पाक ने पहला ईमान वालियां नु जिक्र कीता है दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक ने तमाम रसूलां नु मुखातब कीता फरमाया या अय्युगर रुसुल कुलो मिन तय्यबाती वामलू
عملوا صالحا اے میرے نبیو سارے دے سارے گل سن لیا جے فرمایا من الطیبات وعملوا صالحا عمل چنگے کریا جے تیری رزق پاکیزہ کھایا جے او دنیا کائنات دے لوگو نبی پاک فرماندے نے اے تے قران پاک دی دلیل ہے اللہ پاک نے حرام خوری تو منع کیتا ہے اللہ پاک نے پاک رزق خان تو فرمایا ہے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ آقا پاک فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک حرام دا لقما اپنے اندر نگل جاندا ہے ایک حرام دا لقما اپنے اندر کھا لیندا ہے ایک حرام دا لقما اپنے پیٹ اندر لے کے چلا جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ 40 دن تک اس بندے دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کر دے 40 دن تک اس بندے دیاں نہ نمازاں قبول نے نہ صدقہ تو زکات قبول نے نہ اللہ دے راہ اندر خرچ کیتا قبول ہے نہ اس بندے دیاں تہجتاں قبول نے ایک لقما حرام دا کھا لیندا ہے اودیاں دعاواں کنج قبول ہون اودیاں دعاواں اللہ پاک کنج قبول کرن اس واسطے یار اج دے خطبہ جمعہ دا پیغام لے کے لے جا اگر اللہ پاک نے تھوڑا دتا ہے او دے تے صبر شکر کریا کر اگر اللہ پاک نے تھوڑا دتا ہے حلال دتا ہے تے صبر کریا کر اللہ دے سامنے شکر کریا کر اللہ تیریاں مرضیاں نے اللہ تو مینوں توڑا دتا ہے لیکن حلال دا دتا ہے اگر زیادہ دے دیویں اللہ نہ میں مسجد جان جوگا اللہ نہ تیرے سامنے کھڑا ہون جوگا اللہ نہ میری کوئی عبادت قابل قبول ہے او دنیا کائنات دے لوگو 40 دن تک اس بندے دی کوئی بھی عبادت قبول کوئی نہیں اگلی حدیث سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ سفر کردیاں اپنے والاں اندر کٹا بھی پھسا لیندا ہے سفر دے آثار بھی او دے تے ظاہر ہو جاندے نے بندہ تھکدیاں سمندراں دا سفر کردا ہے بندہ ہوائی جہاز دا سفر کردا ہے بندہ اپنے پیسے لا کے مکہ مدینہ ویکھنا چاہندا ہے ادھر بندہ مدینہ پاک اندر چلیا جاندا ہے ادھر بندہ مکہ دے اندر چلیا جاندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا پاک فرماندے نے ادھر بندہ اللہ پاک دے گھر اندر چلیا جاندا ہے اللہ پاک دے گھر دے سامنے چکر لگاندا ہے بیت اللہ دے دوالے چکر لگاندیاں اپنیاں دعاواں اللہ پاک دے سامنے رکھدا ہے آندا یا ربی یا ربی یا ربی یہ حدیث دے الفاظ نے آندا اللہ میں تیرے در تے آ گیا اللہ میں سفر کر کے آ گیا اللہ میں اپنا سارا دنیا دا معلوم چھڑ کے آ گیا اللہ میں بیوی بچے چھڑ کے آ گیا اللہ میں کاروبار چھڑ کے آ گیا اللہ میں سارا کچھ دنیا دا چھڑ کے آ گیا اللہ میں قیمتی لباس بھی چھڑ کے آ گیا اللہ میں کفنی پا کے تیرے سامنے آ گیا اللہ میں تیرے کولوں دعاواں کرنا اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے ادھر بندہ آندا یا ربی یا ربی اے میرے اللہ اے میرے اللہ نبی پاک فرماندے نے اللہ آسمان تو اعلان کردے نے او آن والے آ تیرے آن دے جڑے پیسے لگے نے او بھی حرام دے نے تیرے کھانا جڑا تو کھا کے آیا او بھی حرام کمائی دے آ جڑا تو سوٹ لے کے آیا اے بھی حرام دی کمائی دے آ تیرا جسم جڑا پلے ہے اے بھی حرام دی کمائی دے او آن والے آ تیرا کھانا پینا تیرا پہننا سفر کرنا سارا کچھ حرام دے آن والے آ میرے در تے آئے ہیں حرام کما کے آئے ہیں وہ دس تے سہی میں رب تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں نبی پاک فرماندے نے بندہ بیت اللہ اندر جا کے بھی محروم ہو جاندا ہے اون جی واپس آ جاندا ہے اللہ پاک دی کوئی بھی دعا قبول نہیں کر دے اللہ سفر کرنا بھی قبول نہیں کر دے وجہ حرام خوری ہے وجہ حرام دی کمائی ہے وجہ حرام دا کھانا حرام دا پینا ہے او دنیا کائنات دے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک یار ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک دا یار غار ہے انہاں دا ایک غلام ہے ان جو غلام نے سامنے لیا کے پیالہ پیش کیتا آندا امیر المومنین اج دودھ پی لو دودھ نوش فرما لو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالہ پی لیا بعد اندر خیال آیا حاجی صاحب
बाबू गया मैं ते पुछिया ही कोई नहीं, पता नहीं किवें दी कमाई दा दुध मेनू लिया के पिला दिता, पता नहीं उस बंदे दी कमाई किवें दी है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने, ओ मेरे गुलाम दस ते सही ना, जेड़ा दुध दा प्याला लेके आया कित्थों लेके आया? आंदा मेरे आका इधर मैं जदों अजे कलमा नहीं पढ़िया, इस्लाम कबूल नहीं कीता, अजे मैं मुसलमान नहीं होया, मेरा एक फुलां इलाके अंदर यार सी, ओदे नाल मैं एक शर्त लगाई सी, अगर मेरा कम हो जाएगा, उन्हें आखिया अगर मेरा कम हो जाएगा मैं तेनू इनिया चीजा दवांगा, फुला फुला चीजा तेनू मैं तो वतन दवांगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुनदिया सुनदिया जदों उस बंदे गुलाम ने आखिया ये बंदे ने मैनू चीजा दित्तियां ने ते मैं लैके आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने हजे तक दौरे जाहलीयत दियां गल्लां नहीं गईयां, ये ते हराम दियां चीजा ने, ये ते शर्त दियां चीजा ने, ये ते शरीयत दे खिलाफ चीजा ने। अल्लाह पाक कोलो माफी मंगी, तेरे मेरे वर्गा हुंदा ते उत्थे ही छड्ड देंदा, चलो पी लिया ते कोई गल नहीं, अगे अल्लाह पाक कोलो माफी मंग लवांगे, अज तू लोगां दे हक्कां ते भी कब्जा कीती जाए। आका पाक फरमांदे ने हराम चीजा ना खाया कर, हराम चीजा दे नालो नफरत करिया कर, इन्हां दे करीब भी ना जाया कर। अज मैं तेरे कोलो सवाल करना चाहना, ओ दस ते सही जेड़ा हुक्का पीना ओ हलाल है या हराम है, ओ जेड़ी सिगरट नोशी करना है ओ दस ओ हलाल या हराम है, ओ जेड़े फ्लेवर पीना ओ हलाल या हराम ने, आ इस दा नशा करना ओ हलाल या हराम ने, ओ दस ते सही ना शराब पीना हलाल या हराम है, ओ दस ते सही ना अज लोगां दे जेड़े खून ते पसीने दी कमाई पीना ओ हलाल या हराम है, अज जेड़ियां नसवार खाने ओ दस ते सही ना हलाल या हराम ने, अज चरस ते फीम दे नशे करने ओ दस ते सही ओ हलाल या हराम ने, इधर सिगरेट पी के इधर नसवार खा के फ्लेवर पी के हुक्का पी के अक्सर ऐसे बाबे तुहानू मिलणगे उम्र रसीदा लोग मिलणगे, इधर सिगरेट पी के मस्जिद अंदर आ जांदे ने, इधर हुक्का पी के मस्जिद अंदर आ जांदे ने, नसवार खा के मस्जिद अंदर आ जांदे ने। ओ चलिया तेरियां दुआवां अल्लाह किवें कबूल करेगा? नबी पाक फरमांदे ने जिस बंदे दे मुंह अंदरों बदबू आंदी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है जिस बंदे दे हराम दी वजह तो मुंह अंदरों बदबू आंदी है, फरिश्तियों दे कोलों दूर हो जांदे ने, फरिश्तियों दे कोलों किनारा कर लैंदे ने। नबी पाक ते फरमाया बंदा गंडा खा के भी मस्जिद अंदर ना आए, बंदा मूली खा के भी मस्जिद अंदर ना आए, क्योंकि लोगों दे बदबू दी वजह तो हालात खराब हो जांदे ने। अज तू सिगरेट पी के मस्जिद आ जाए, अज तू नसवार खा के मस्जिद आ जाए, अज तू हुक्का पी के मस्जिद आ जाए, अज तू शीशा पी के मस्जिद आ जाए, ओ दस ते सही ना तेरियां दुआवां किवें कबूल होणगियां? फरिश्ते ते तेरे कोलों जी दूर हो गए ने, अल्लाह पाक दे सामने की जवाब देगा? तीसरी हदीस नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक दफा झूठ बोलदा अल्लाह पाक दे आसमानी नूरानी फरिश्ते 40 मील ओदे कोलों दूर जांदे ने। अज ना अपने गिरेबान अंदर नजर, अज वेखना अपने गिरेबान अंदर, अज तेनू सारे दे दुनिया जेड़ी है झूठ अंदर मुबतला नजर आएगी। ओ दुनिया कायनात दे लोगो, ताए ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया वा इजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अन्नी फइन्नी करीब, अन्नी फइन्नी करीब। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने ऐसा बदनसीब इंसान, ऐसा बदबخت इंसान जिदियां दुआवां कबूल नहीं हुंदियां। पहले नंबर ते मुशरक बंदा ओदी भी दुआ कबूल नहीं होएगी, दूसरे नंबर ते हराम खोरी करन वाला बंदा ओदी भी दुआ कबूल नहीं होएगी, तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा जल्दबाज है, जल्दी जल्दी दुआ करदा है ते बेयकीनी दे नाल दुआ करदा है, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक ऐसे बंदे दी भी दुआ कबूल नहीं कर दे, ऐसे बंदे दी भी दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं कर दे। एक और हदीस सुनो, नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुआ करदा है ओदे विच किता तलकी वाली भी कोई गल नहीं, रिश्तेदारी टुटने वाली भी कोई गल नहीं, ना कोई गुनाह है,
नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा तवज्जो दे नाल दुआ करदा है सुकून दे नाल दो काम ना करे अपनी दुआ अंदर एक गुनाह वाली कोई गल ना करे मिसाल दे तौर ते शिरक वाली वास्ते वाली वसीले वाली कोई भी ऐसी गल ना करे जिहदे नाल इंसान नूं गुनाह मिलदा है दूसरे नंबर ते कता तलकी करन वाली रिश्तेदारी तोड़न वाली गल ना करे अपनी दुआ अंदर सुकून दे नाल इत्मीनान दे नाल जिहड़ा बंदा दुआ करदा है नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक ऐसे बंदे दी दुआ नूं कबूल फरमा लैंदे ने अज दा नौजवान अज दे साडे बुजुर्ग वेखो एक मिनट तो पहला दुआ खत्म हो जाती है बल्कि मैं ते ऐसे भी मामलात वेखना तुसी भी वेखते होवोगे किसी की मरग ते चले जाइए किसी की फौतगी ते चले जाइए चलो जी कलाम बख्शो लोग कलाम बख्शते ने एक मिनट भी नहीं लगता एक दूसरे के मूँह वाल वेखते हैं कदों कोई हाथ फेरे तो मैं भी वेखा ना कोई विच दुआ करता है ना कोई इतमान हों ना कोई यकीन हों मैं हल्फन इमानन कुरानन एक गल कर सकना जिन्हें बंदे जाके आते हैं कलाम बख्शो जिन्हें भी जाके आते हैं इमानन कुरानन मिंबर ते खड़ा होकर गल कर रहे हैं सारियां दुआवां एक भी नहीं पूरी आंदी अज असी अपने ही मुहासबा करिए जिन्हें बंदे इत्थे बैठे हैं क्या सानू जनाजे दीआं दुआवां पूरी आंदियां ने क्या सानू तसीयत दा तरीका पता है क्या सानू तसीयत अंदर जिहड़ियां दुआवां करनियां ने ओह आउंदियां ने बस जाके कलाम बख्शो ये दुआ दा तरीका नहीं हज़रत साहब इस दुआ नूं अल्लाह पाक दे रिश तक नहीं ले जाया जांदा नबी पाक फरमांदे ने जिस बंदे दी दुआ अंदर इत्मीनान नहीं जिस बंदे दी दुआ अंदर सुकून नहीं यकीन नहीं उस बंदे दी भी दुआ अल्लाह पाक कबूल है नहीं कर दे दुआ कबूल नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिहड़ा बंदा सुकून दे नाल दुआ करदा है जिहड़ा बंदा इत्मीनान दे नाल दुआ करदा है पहले नंबर ते अल्लाह पाक ओदी दुआ नूं आखिरत वास्ते ज़खीरा कर लैंदे ने आखिरत वास्ते ज़खीरा अज नौजवान या मुसलमान कोई भी कहिंदा है कहिंदा आप सब दुआ कबूल नहीं हुंदी दुआ अल्लाह कबूल करदे ने क्योंकि अल्लाह दा वादा इस तजीब लकुम मैं तुहाडियां दुआवां कबूल करांगा अल्लाह पाक दुआ कबूल करदे ने तीन किस्मां अंदर किन्नियां किस्मां अंदर बोलो किन्नियां किस्मां अंदर तीन किस्मां अंदर यहां ते अल्लाह पाक फौरन दुआ कबूल कर लैंदे ने दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक उस बंदे दी दुआ नूं ज़खीरा कर लैंदे ने अल्लाह पाक उस बंदे दी दुआ नूं आखिरत वास्ते ज़खीरा कर लैंदे ने एक इत्थे एक और हदीस सुनो नबी पाक फरमांदे ने कल कयामत दे दिन जदों बंदा अपने अमाल वेखेगा कि इन्नियां नेकियां फरमाएगा अल्लाह ये केड़ियां नेकियां ने फरमाया जे जे तू दुनिया ते रह के दुआ करदा रहा मैं उदों तेरे हक अंदर मुनासिब नहीं समझिया ये तेरियां दुआवां दी वजह तो एडे एडे पहाड़ तैनूं अता कीते ने उदों फिर नबी पाक फरमांदे ने इंसान आखेगा काश कि मैं सारी उम्र दुआ ही करता रहिंदा तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक ओदी परेशानी दूर कर देंदे ने फलां बंदे ने दुआ कीती है अल्लाह मेरा ये काम हो जाए अल्लाह मेरा ये काम हो जाए अगर वो बंदे दी दुआ कबूल नहीं भी हुई नबी पाक फरमांदे ने दुआ दी एक शर्त ए भी है कि अल्लाह पाक उस बंदे दी परेशानी दूर कर देंदे चाहे वह दुआ कबूल फिल वक्त नहीं भी हुई लेकिन अल्लाह पाक परेशानियां दूर कर देंगे ने तीन बंदे चौथा बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दी हमत तो बगैर आप सल्लम दे दुरूद तो बगैर दुआ करता है अल्लाह पाक दुआ भी कबूल नहीं करते वो तुम वाकया मरूफ सुनिया है नबी पाक फरमाते ने सईदना काब रज़ी अल्लाह तआला नू नबी पाक दे कोल आए फरमाया या रसूल अल्लाह मैं दुआ करना चाहना नबी पाक फरमाते ने कहा अगर तू दुरूद ज्यादा कर ले तो बेहतर है फरमाया सुनिया मैं दुआ दे तीन हिस्से करना एक हिस्सा मैं अल्लाह पाक दे हमदो सना करना एक हिस्सा मैं दुरूद पढ़ना एक हिस्सा मैं अपनियां हजात पूरियां करना नबी पाक फरमांदे ने कहा अगर तू और ज्यादा कर ले तो बेहतर है फरमाया सुनिया दुआ दे दो हिस्से करिया करांगा एक हिस्सा अल्लाह पाक ते दुरूदो सलाम ते हमदो सनावा पढ़ांगा दूसरा हिस्सा तुहाडे ते दुरूद पढ़ांगा फरमाया कहा अगर और ज्यादा कर ले तो ज्यादा बेहतर है फरमाया मैं सुनिया सारी दुआ अल्लाह पाक ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हमदो सना ते दुरूद पाक ही पढ़दा रवांगा फरमाया काब सारी दुआ ते दुरूद पढ़ना तेरा काम है बिन मंगियां तेरियां जरूरतां पूरियां करना अर्श वाले रहमान दा काम है हज़रत साहब मंगो ते सही यकीन करो ते सही अज तेरे मेरे अंदर गुनाह होवन ते तू आखे अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं करदा चौथे नंबर ते पंजवें नंबर ते सॉरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिहड़ा बंदा आजज़ होके जिहड़ा बंदा
आजज हो के अपने आप नू मार के अपने आप नू अल्लाह पाक दे सामने आके रख दिंदा है। मालिका मैं कमजोर हाँ तू ताकतवर है, मालिका मैं फकीर हाँ तू गनी है। अल्लाह पाक नू एवें दियां लाडालियां गल्लां के करदा है, अपने आप नू आजज शो करदा है, अपने आप नू फकीर शो करदा है। नबी पाक फरमांदे ने ऐसे बंदे भी दीवी दुआ अल्लाह पाक कदी रद्द नहीं करदे। अज साडिया चौधर मुकन ते असी अल्लाह पाक कोलों मंगीए। छठे नंबर ते नबी अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। यार जिहड़े बाहर साथी गल्लां कर रहे ने ना, खुदा दा वास्ता जे अंदर तशरीफ लैके आओ। उदों दा मैं देख रहा तुसी मेरे तो वड्डे भी हो। अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुकम्मल खुतबा नबी पाक ने फरमाया जिन्हें तिनका भी चुकिया ओहदे भी अमल जाया हो गए ते असीं गल्लां करी जांदे आ। अल्लाह पाक सानू हिदायत नसीब फरमाए। आखिरी वाकिया सुनाना ते गल मुकानी है, तवज्जो मेरे पर रखो। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ओ दुनिया कायनात दे लोगो, छठे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जेड़ी बीवी अपने खावन दी ना फरमाने, जेड़ी बीवी अपने खावन दी ना फरमाने ओदे आखे नहीं लगदी, ओदा हुक्म नहीं मनदी, ओदे नाल प्यार चक्कर तेनू अपनिया बीवियां दे मुंहां ते शिकवे मिलणगे, शिकायतां मिलणगियां, नाफरमानियां मिलणगियां। इहदे ते मैं गुफ्तगू करां, मैनूं वक्त दरकार है, लेकिन मैं गल समझाणी चाहना, आखरी गल्लां ते इत्तेफाक करांगा। ओ दुनिया कहना लोगो, आज तेरिया मेरिया दुआवां क्यों कबूल नहीं? अबे हजरत मूसा अली सलातु असलाम दा दौर है, वक्त दा नबी है, कैत सालियां पै गईयां, कैत सालियां ने उरूज पकड़ लिया, कोई भी चीज खान नहीं मिल रही, पीन नू कोई भी चीज नहीं मिल रही। बने इसराइल वाले हजरत मूसा अली सलातु असलाम दे कोल आके आंदे ने, या नबी अल्लाह अल्लाह पाक कोलों दुआ करो ना, अल्लाह पाक रहमत दमी पा देवे। नबी मूसा ने कौम वालियां नू ना लिया, इंज मैदान विच आ गए, अल्लाह पाक दे सामने दुआवां कीतियां, फरमाया अल्लाहुम अस्कि इबादका व बहाइमका वंशुर रहमतका व अहयी बलदकल मय्यित। अल्लाह पाक कोल बारिश दियां दुआवां कीतियां, बारिश नहीं हो रही। बारिश बोलो सारे, बारिश दुआ करन वाला वक्त दा बोलो, वक्त दा आमीन कहने वाले वक्त दे नबी दे अस्हाब ने हजरत मूसा नु मनन वाले, दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? लम्हा फिक्रिया देना चाहवांगा, वक्त दा नबी है, आमीन कहने वाले अस्हाब ने दुआ फिर भी कबूल नहीं। फरमाया मालिका आज मेरिया दुआवां बेअसर क्यों हो गईया, मालिका आज मेरिया दुआवां दर असर क्यों खत्म हो गया। हजरत मूसा अली सलातु असलाम ने पूछिया, अल्लाह पाक ने इधरों ऐलान किया, फरमाया मूसा तेरी कौम अंदर, तेरी सफ अंदर एक ऐसा गुनहगार है और जिदी वजह तो मैं तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा। एक गुनहगार, एक गुनहगार और जिदी वजह तो दुआ कबूल कोई नहीं हो रही। अज लगा अपनिया मसाजिदा दिया सफा अंदर चक्कर, तेन हर बंदा गुनेगार नजर आएगा, किते तेन जानी खलोता नजर आएगा, किते तेन शराबी खलोता नजर आएगा, किते कबूतर बाज खलोता नजर आएगा, किते जुए बाज खलोता नजर आएगा, किते चोर ते डकैत नजर आएगा, किते लोगों दया इज्जत लुटन वाला नजर आएगा, किते मासूम कलिया मसलन वाला बदबखत नजर आएगा, किते लोगों दया इज्जत नोचन वाला बदबखत नजर आएगा, लोगों की इज्जत दाग लाने वाला नजर आएगा। आज तेरिया मेरिया सफा गुनागारा नालों परियां ने, फिर कहना अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं करदा? फरमाया मालिका अगर मैं गुनागार बढ़ावा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मूसा तेरी सफ अंदर एक गुनागार ऐसा है जिदी वजह तो मैं दुआ कबूल नहीं करांगा, ओनू बाहर निकालोगे तो दुआ कबूल करांगा। आज मुहासबा, आज उन्हें अपने रब के नाम
नाल तार मिला ली। उस बंदे ने रब दे नाल ताल्लुक शो कर लिया। आंदा दिल दे अंदर ही अपने मालिक दे सामने आंदा है, आंदा मालिका कोई शक नहीं मैं गुनाहगार बड़ा वा, मालिका कोई शक नहीं मैं पापी बड़ा वा, मालिका कोई शक नहीं मैं तेरा ना फरमान बड़ा वा, मालिका कोई शक नहीं मैं हुदूदुल्लाह नू क्रॉस करन वाला वा, मालिका कोई शक नहीं मैं तेरे दीन दियां ना फरमानियां ते बगावत करन वाला वा, मालिका कोई शक नहीं। ओ यार कदी तू भी ते अल्लाह पाक दे सामने आके आखिया करना, ओ कदी तू भी ते अखां बंद करके अत्रू बगाया कर, आखिया कर मालिका मैं गुनाहगार ते बड़ा वा, अगर तेरी रहमत दा एक कतरा मिल जाए मालिका तेरा जाना कुछ नहीं, मालिका मेरी जिंदगी दे सारे गुनाही तो पजाने ने, उन्हें आखिया आएगा रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, जेक कतरा जेक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा, एक गुना तेरा लोकी वेख, एक गुना तेरा बेली वेख ते देवन देश निकाला, सौ गुना मेरा मालिक वेखे परदे पावन वाला। उस बंदे ने अल्लाह पाक दे नाल अपनी कार मिलाई, वो दुनिया कायनात दे लोगो उन्हें आखिया मालिका मैं गुनाहगार बड़ा वा, अगर मैनू माफ कर दे तेरा जाना कुछ नहीं मेरा लंघ रह जाएगा। इधर छम छम बारिश बरसन लग पई। हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम फरमांदे ने मालिका कोई बंदा बार भी नहीं गया, किसी बंदे ने माफी भी नहीं मंगी, लेकिन बारिश होने लग पई। अल्लाह पाक फरमांदे ने मूसा उस बंदे ने मेरे नाल सुलो कर लईए, उस बंदे ने मेरे कोलो माफी मंग लईए, उस बंदे ने मेरे नाल अपना ताल्लुक जोड़ लिया है। फरमाया मूसा अलैहि सलाम फरमांदे ने या अल्लाह दस ते सही ना वो बंदा कौन है। फरमाया मूसा जदों मेरा ना फरमान सी मैं उदों नहीं दसिया, हुण ते उन्हें मेरे नाल सुलह कर लईए। ओ दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक कोलो मंगिया कर, अल्लाह पाक दे सामने जबीने नियाद नूं रखिया कर, जो दिल चाहवे ओ मंग लईए, जो दिल चाहवे ओ मिल जावे, सदा करिए ता इंज करिए। फिर कहो सुभान अल्लाह। इतना अहम मजमून मैं तुहाडे सामने मुआशरे दी जरूरत दे मुताबिक रखे है कि पांच छे बंदे ऐसे ने जिन्हां दी दुआ अल्लाह पाक कदी भी कबूल है नहीं करते। पहले नंबर ते मुशरक बंदे दी दुआ, जेड़ा बंदा शिरक करता है किसे भी किस्म दा शिरक है अल्लाह पाक ओदी दुआ कबूल है नहीं करते। दूसरे नंबर ते हराम खोरी खान वाला बंदा ओदी भी दुआ अल्लाह कबूल है नहीं करते। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जल्दबाजी दे नाल दुआ करने वाला ते बे यकीनी दे नाल दुआ करने वाला उस बंदे दी भी दुआ अल्लाह कदी भी कबूल नहीं करते। पंजवें चौथे नंबर ते नबी अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने अल्लाह दी हमद ते दुरूद तो बगैर जिहड़ा बंदा दुआ करदा ओदी भी दुआ अल्लाह पाक कदी भी कबूल नहीं करते। पंजवें नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा आजज हो के दुआ मंगदा है अल्लाह पाक ओदी दुआ कबूल करदे ने। आखिर ते मैं शेर पढ़ने ने तुसां कहना सुभान अल्लाह। जो दिल चाहवे ओ मिल जावे, सदा करिए ता इंज करिए। जो दिल चाहवे ओ मिल जावे, सदा करिए ता इंज करिए। खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए ता इंज करिए। खुदा किस्मत बदल देवे, दुआ करिए ता इंज करिए। रहे ना लो कोई किसे भी दर ते जावन दी, लहे ना लोड़ फिर
कोई किसे भी दर ते जावन दी सवाली नू जे खैराता अता करिए ताइंज करिए जो दिल चावे ओ मिल जावे सदा करिए ताइंज करिए खुदा किस्मत बदल देवे दुआ करिए ताइंज करिए मदीना सामने आ जावे मदीना सामने आ जावे अथरू बज के अखियां दे मदीने वाले आका दी सदा करिए ता इंज करिए मदीने वाले आका दी सना करिए ता इंज करिए मजार विच नाल सो के दसे आए सिद्दीक अकबर ने मजार च नाल सो के दसे आए सिद्दीक अकबर ने जे यारा नाल वफा करिए जे यारा नाल वफा करिए फरूकी वफा इंज करिए जो दिल चावे ओ मिल जावे सदा करिए ता इंज करिए यार जिंदा सोबत बाकी इन अल्फाज इत्तेफाक अदा खत्म करना वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।